गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड एग्जांपल। अब सर 9.2 कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रल एक्सेलरेशन मतलब एफ की वैल्यू अपने को गिवन है इस बार। तो एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, म्यू इनटू में कितना दे रखा है, आर एस टू पावर 5 माइनस सी की पावर 4 इनटू में कितना है आर। क्लियर, ये क्वेश्चन दे रखा है। बीम प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एफ, एफ से अपने पास प्रोजेक्ट हो रही है एट ए डिस्टेंस सी। तो डिस्टेंस जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कितना दिया हुआ, आर इज इक्वल टू दिया हुआ अपने पास सी। क्लियर, विद वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी दिया मैंने वी की वैल्यू। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है अपने पास तो वो कितनी दे रखी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू बाय में 3 इनटू में कितना दिया हुआ है, सी की पावर 3, ठीक है, सी रेस टू पावर 3। शो दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज द कर्व। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज द कर्व, वो क्या प्रूव कर रहे हैं, प्रूव दैट कि पास भी होगा अपने पास तो वो किसके इक्वल होगा अपने पास, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू c की पावर 4। ये अपन ने प्रूव करना है, ठीक है। ये चीजें अपने पास फिलहाल गिवन है, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले कि जो जो चीजें गिवन है उसी का यूज करते हैं। सबसे पहले f, सबसे पहले जो f के अंदर इक्वेशन दे रखी है उसको पहले तो किसी में चेंज कर लो, u के टर्म्स में, ठीक है। सबको पता है कि u किसके इक्वल होता है, 1 बाय r के इक्वल। u किसके इक्वल होता है, 1 बाय r के इक्वल। क्लियर, तो उसी का ही यूज करते हैं सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा अपने पास, u की जगह पे कितना पुट कर दो, 1 बाय r, ठीक है। दैट इंप्लाई जो f होगा तो वो क्या बन जाएगा, म्यू इनटू में ये बन जाएगा 1 बाय u की पावर कितना, 5 माइनस कितना है, c की पावर 4 बाय में कितना आ जाएगा अपने पास u। क्लियर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी जिसको ऐसे चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो। क्लियर, अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट पढ़ी होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट क्या बोलती है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जिसका आपने फर्स्ट इक्वेशन में भी काफी यूज किया था, तो वो क्या होती है अपने पास कि f इज इक्वल, अगर मैं यहां पे सिंपल बात करूं तो du / में d थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर प्लस कितना होता है अपने पास यू, और ये इक्वल टू किस करेगा अपने पास, एफ बाय में एच स्क्वायर इनटू में कितना होता है यू स्क्वायर। अगर मैं एफ को ये एच स्क्वायर को इधर लेके आऊँ तो ये क्या आ जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई में ये इक्वेशन बनेगी। और अच्छी बात क्या, अपने को एफ की वैल्यू पता है, क्लियर। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से एफ की वैल्यू कितनी थी अपने पास, तो वो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बाय यू स्क्वायर या एस डी, और f की वैल्यू कितनी थी अपने पास, म्यू, ठीक है, इनटू में कितना आ जाएगा, म्यू, ठीक है, इनटू में 1 बाय u की पावर 5, ठीक है, माइनस c की पावर 4 बाय में u, ठीक है। अभी 1 बाय u के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, म्यू तो बाहर रहेगा, ठीक है, 1 बाय u की पावर कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, माइनस c की पावर 4 बाय में u का क्या हो जाएगा, u, क्लियर, ये क्वेश्चन बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करोगे, जैसे अपन लास्ट आर्टिकल किया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो लास्ट आर्टिकल के अंदर अपन ने क्या किया था, यहाँ पे 2 इंटू में डी यू बाई डी थीटा स्क्वायर में बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दूं कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे, 2 टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी थीटा, तो मैंने उस आर्टिकल के अंदर जो अपने थ्योरम किया था उसके अंदर मैंने बताया भी था इंफिनिटी डिस्टेंस से पहले वाला जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसके अंदर, तो मैंने बोला भी था कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के भी आपके ये क्वेश्चन होने वाला है। क्लियर, बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर, सिर्फ बस स्टेप बाय स्टेप अपन ने काम करना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 इनटू में du / d थीटा, तो अगर मैं 2 इनटू du / d थीटा से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो h स्क्वायर तो बाहर रहेगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2 इनटू में du / d थीटा, ठीक है, और ये डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर पहले ही पड़ा हुआ। क्लियर, और ये क्या बन जाएगा अपने पास 2, तो अगर मैं 2 को चाहते तो बाहर भी रख सकते थे, चलो कोई ना अंदर ले जाते हैं, 2 इंटू में क्या बन जाएगा, यू इंटू में डी यू बाय डी थीटा। क्लियर, और इधर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा
राइट हैंड साइड में को जो डी यू बाई यू थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, तो टू को बाहर रख लेते हैं कॉन्स्टेंट, म्यू भी कॉन्स्टेंट बाहर पड़ा हुआ है, तो डी यू बाई थीटा के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1/(u^7) है, तो इसको लिख सकता हूँ u^-7 इंटू में डी यू बाई डी थीटा माइनस c^4 इंटू में u^ लिख सकते हैं -3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डी यू बाई डी थीटा। क्लियर। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोथ साइड करने का बेनिफिट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे रहेगा h^2 तो कांस्टेंट है बाहर, इसका इंटीग्रेशन करूंगा जब मैं तो यहाँ पे क्या आने वाला है, तो ये 2 तो कांस्टेंट है ठीक है, ये तो बाहर लिया जाएगा ठीक है, और डी यू बाई डी थीटा का डेरिवेटिव क्या पड़ा हुआ बिल्कुल उसके साथ, तो मैंने वहां पे भी आपको एक थ्योरम बताई थी कि अगर फंक्शन की पावर चाहे कितनी मर्जी है उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा हुआ है f'(x) अगर साथ पड़ा हुआ है और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ जितनी भी उसकी पावर से उसकी एक पावर में एक एडिशन कर दो बाय में कितना आ जाएगा n+n+ का कॉन्स्टेंट c1। ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, प्लस वन के अंदर और प्लस टू के अंदर काफी पड़ा हुआ है। तो ये डी यू बाई डी थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर उसके साथ पड़ा होगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाय में कितना आ जाएगा 2। क्लियर। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस सेम यहाँ पे यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी थीटा साथ पड़ा होगा तो यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर बाय में कितना 2। क्लियर। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो क्लियर हुआ सेम राइट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो क्या पड़ा था बाहर टू इंटू में म्यू तो यू की पावर माइनस सेवन तो यू का डेरिवेटिव बिल्कुल उसके साथ पड़ा हुआ है डी यू बाई डी थीटा तो यू की पावर माइनस सेवन में एक क्या आ जाएगा एडिशन और नीचे भी वही सेम तो ये कितना आ जाएगा यू की पावर कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का सिक्स और नीचे भी कितना आ जाएगा माइनस का सिक्स सेम यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस सी की पावर फोर एस थी यू का डेरिवेटिव बिल्कुल उसके साथ पड़ा हुआ है तो u की पावर में एक एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 बचेगा और नीचे भी कितना आ जाएगा माइनस का। क्लियर। नीचे से अगर मैं क्या कॉमन निकालूं 2 कॉमन निकालूं, नीचे से अगर क्या कॉमन निकाल लेते हैं 2, तो 2 कॉमन निकालते हैं यहां से क्या आ जाएगा ये यहां पे बचेगा कितना 3 ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस का माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस। क्लियर। और ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। क्लियर। तो यहाँ से बोल सकते हैं प्लस कोई ना कोई इंटीग्रेशन का तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी आएगा, इसको नाम दे दिया है सी। क्लियर। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि अपने पास क्या वैल्यू आ गई कि h^2 dU/dθ का होल स्क्वायर ठीक है प्लस का u^2 ये किसके इक्वल आ गया μ(u^-6) जिसको लिख सकते हैं अपने पास कितना 1 माइनस का 1 बाय में कितना अपने पास 3 यू की पावर कितना हो जाएगा 6 प्लस सी की पावर 4 बाय में यू का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c1। क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया है सेकंड। क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया है सेकंड। क्लियर। अब c1 अपने पास क्या है यहां पे कांस्टेंट ठीक है। अब कहीं क्या करेंगे और फार्मूला पड़ा होता है b2 का भी यूज भी किया था फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, तो क्या था अपने पास v2 जो होता है वो किसके इक्वल रहेगा ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए ठीक है कि v2 जो होता है तो वो किसके इक्वल होता है, अपने पास v2 इज इक्वल टू क्या होता है h2 ठीक है इंटू में कितना होता है अपने पास h2 बाय में p2 कि v इक्वल टू होता है कितना h/p। क्लियर। तो 1/p2 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है कि du/dθ का होल स्क्वायर ठीक है प्लस का u ठीक है d²u/dθ² प्लस का h²/p² मिल के चला तो यहां पे कितना आ जाएगा u². क्लियर। तो ये रहेगा अपने पास ठीक है, ये वैल्यू आ गया किसकी 1/p² की, ये इक्वल टू आ गया किसके v² के। लेकिन अगर तुमने ध्यान से अगर देखा हो क्या इसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू तो कितनी है, सेकंड इक्वेशन से अगर बात करें तो इसकी वैल्यू तो पता है कितनी थी ये, और ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि v² जो है वो अपने पास किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू आ गया अपने पास म्यू इंटू में कितना माइनस का 1/3 u^6 प्लस c^4 बाय में u² प्लस का कॉन्स्टेंट c1। क्लियर। ये लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं
क्लियर। सेकंड थर्ड इक्वेशन तो अपने काम किए। चलिए अब बात करते हैं इनिशियल कंडीशंस के ऊपर। तो इनिशियल अगर मैं बात करूं, आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी अपने पास, आर दे रखा था इक्वल टू सी, ठीक है। इनिशियली आर इज इक्वल टू दिया होगा सी के इक्वल, ठीक है। और अगर r इज इक्वल टू सी है, u किसके इक्वल होता है 1 बाय r के, दैट इंप्लाइज u किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाय c के। और du बाय dt तक अगर मैं वैल्यू बात करूं तो यहां पे कितनी आ जाएगी, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहां पे c तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, मतलब du बाय dt की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 0। अगर du बाय dt इक्वल टू 0 है तो यहां से अगर मैं बात करूं तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, v, और v की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, वी तो दे रखा था कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू बाय में 3 का रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू बाय में 3 इनटू में सी की पावर 3, क्योंकि एक्स के ऊपर ये वैल्यू दे रखी है वी की भी, क्लियर। तो ये सारी वैल्यूज आप एक्स के अंदर इस कंडीशन के अंदर पुट कर सकते हैं जो अपन ये अभी इक्वेशन निकाल लिया है, क्लियर। तो यहां पे अगर मैं सारी वैल्यूज रख दूंगा तो वी का स्क्वायर, तो वी का स्क्वायर मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर, तो वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 2 म्यू बाय में 3, और c की पावर कितनी हो जाएगी 6, इक्वल टू किसके आएगा अपने पास म्यू, म्यू तो ऐसे जाएगा, ठीक है, इनटू में कितना आ जाएगा अपने पास, तो इसकी वैल्यू इसकी यहां पे बात करें ये बन जाएगा h स्क्वायर बाय p स्क्वायर था, तो पहले इसी को लिख लेते हैं h स्क्वायर बाय p स्क्वायर, तो p तो अपने पास क्योंकि डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स की कंडीशन के अंदर, तो p इक्वल टू r इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय में c स्क्वायर, क्लियर। लेकिन यहां पे अपने को फिर इसके ऊपर काम नहीं करना है, अपने को तो इनिशियल कंडीशंस के ऊपर काम करना है। तो यहां पे अगर मैं जहां पे भी u दिख रहा हूं, ठीक है, तो u की जगह पे क्या लिख देंगे 1 बाय c, ठीक है, तो यह आ जाएगा म्यू इनटू में माइनस का 1 बाय 3 इनटू में u की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 बाय c, तो u की जगह 1 बाय c पुट करूंगा तो ऊपर जाके कितना बन जाएगा c की पावर 6, क्लियर। और प्लस का c की पावर 4 पहले पढ़ा है, u का स्क्वायर मतलब 1 बाय c का स्क्वायर, और ऊपर जाके क्या बन जाएगा c स्क्वायर, तो ये क्या बन गया अपने पास c की पावर 6, क्लियर। और इक्वल टू ये साथ में क्या पढ़ा हुआ प्लस का कांस्टेंट c, क्लियर हो गया सबको ये, ठीक है। और यहाँ पे भी तो चलिए यहाँ से म्यू क्या हो रहा है कैंसल आउट, तो ये बन गया अपने पास 2 बाय 3 सी की पावर 6, और यहाँ पे जब ये क्या बन गया बेस इन पावर है सी की पावर 6, तो सी की पावर 6 तो क्या आ रहा है कॉमन, ठीक है, तो बचेगा कितना माइनस 1 बाय 3 प्लस का 1, ये कितना बन गया अपने पास 2 बाय 3, ठीक है, प्लस का कॉन्स्टेंट सी 1, और इससे ये क्या हो रहा है कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या मिल गया कि सी 1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई 0। अगर सी 1 0 आ गया तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो फिर एच स्क्वायर की वैल्यू थी, सॉरी वी स्क्वायर की वैल्यू थी, तो वो कितनी आ जाएगी, क्लियर। इतनी हमसे एच स्क्वायर भी निकाल सकते हो यहाँ पे कि फर्स्ट और लास्ट से जो वैल्यू मिली अपने जब तुम दोनों को यूज किया तो अपने वैल्यू निकाली किसकी सी 1 की। अगर मैं सेकंड और थर्ड की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ या फर्स्ट और सेकंड की बात करूँ तो वहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्या यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे कहता है 2 म्यू बाय में 3 इंटू में सी की पावर 6 इक्वल टू कितना था एच स्क्वायर बाय में सी की पावर 2, तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी कितनी आ जाएगी सी की पावर 8 हो जाएगी, तो आ गई 2 म्यू सी की पावर 8 बाय में 3, तो एच स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है, सी 1 की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से एच स्क्वायर और सी 1 की वैल्यूज को उठाएंगे और किसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर सकते हैं एच स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, और सी 1 की वैल्यू, इन दोनों के अंदर पुट कर देते हैं, तो एच स्क्वायर की वैल्यू, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 2 म्यू बाय में, ठीक है, इनको पुट कर दो दोनों को, पुट इन सेकंड, क्लियर। अगर इनको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 म्यू बाय में इनटू में सी की पावर 8 बाय में 3, ठीक है, और यह करेगा डी यू बाय डी थीटा, ठीक है, ठीक रहने वाला अपने पास डी यू बाय डी थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यूज इक्वल टू किसके रहेंगे अपने पास म्यू,
ठीक है, माइनस कितना था अपने पास 1/3, यू की पावर कितना है 6, ठीक है, प्लस का सी की पावर 4 इंटू में यू की पावर 2, सी वन की वैल्यू कितनी है 6, क्लियर। इस इक्वेशन का रोल होगा यहाँ पे और, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, म्यू से म्यू क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, क्लियर। अब क्या करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कर सकते हैं अपने पास कि जितना 2/3 इंटू में सी की पावर 8 है, इसकी अलग अलग क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई। तो इसकी हर टर्म के साथ अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2c^8/3 इंटू में कितना आ जाएगा du/dθ का होल स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा u का स्क्वायर पड़ा हुआ, ठीक है, क्या आ जाएगा कितना अपने पास प्लस का 2c^8 इंटू में यू का स्क्वायर बाय में कितना आ जाएगा 3, और ये इक्वल टू किसके रहेगा अपने पास, तो ये कितना अपने पास माइनस का 1/3 यू की पावर 6 प्लस सी की पावर 4 बाय में यू का स्क्वायर, क्लियर। ये वैल्यू दे रखी है अपने पास। अब देखो इसमें कैलकुलेशन करनी है कि मैं du/dθ वाले टर्म्स को एक साइड रखूंगा, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड, क्लियर। ये थर्ड इक्वेशन का आपने ध्यान में रखना क्योंकि इसका आगे तक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या आएगा कि जितने भी du/dθ का होल स्क्वायर वाले टर्म्स है उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ उसको सारे उस साइड ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास 2c^8/3 इंटू में du/dθ का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/3 u^6, ठीक है, और कितना अपने पास प्लस का c^4 बाय में कितना था u^2, और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2/3 c^8 u^2, क्लियर। अभी अपने पास टर्म्स है, इनका क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं इनका एलसीएम लूं उसके बाद देखते हैं कि अपने पास क्या क्या बचने वाला है यहाँ पे। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, देखो एलसीएम कितना आएगा, 3 है यहाँ पे u^6 है सबसे बड़ा और नीचे 3, ठीक है, तो एक तो 3 और u^6 ये आएगा एलसीएम। यहाँ पे है -1, तो यहाँ पे तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे क्या रहेगा -1 का -1 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा c^4 है, u^2 है नीचे, तो u^4 कम है अपने पास, u^4 कम है 4, और 3 की भी कमी है तो 3 भी साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्लियर, इनटू में 3, और यहाँ पे माइनस ऊपर क्या बड़ा हुआ है 2c^8 u^2, 3 तो है नीचे लेकिन u^6 नहीं है नीचे यहाँ पे, तो u^6 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो u^2 पहले ही u^6 से मल्टीप्लाई और कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इसके चाहो तो फैक्टर बना सकते हो तुम, किस तरीके से कि अगर मैं क्या मान लूं c^4 इंटू में ये बन गया अपने पास u^8, ठीक है, चाहो तो इसके फैक्टर अगर देखनी हो तो ये कर सकते हो तुम c^4 इंटू में u^8 को अगर t मान लो तो इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास कितनी -1 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ t प्लस का कि माइनस क्या पड़ा है 2t2, इसके फैक्टर बना सकते हो चाहो तो यहाँ पे, क्लियर, कि टी का काम कौन कर रहा है c^4 u^4 ये टर्म कर रही है, क्लियर। तो इसके फैक्टर बनाना चाहोगे तुम फैक्टर भी बना सकते हो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 2t2 माइनस का 3t प्लस का 1। अब देखो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे कि मल्टीप्लाई आनी चाहिए अपने पास कितनी 2, और ऐड करें तो कितना आना चाहिए अपने पास माइनस का 3, क्लियर। तो मल्टीप्लाई 2 ऐड करें तो माइनस 3, तो क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे -2 और -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2t2 माइनस का 2t माइनस का t प्लस का 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2t कॉमन आ रहा है अपने पास, ठीक है, तो बचेगा क्या t माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा t माइनस 1, तो दो फैक्टर बन गए अपने पास माइनस का 2t माइनस 1 और एक आ गया t माइनस 1, ठीक है, 2t माइनस 1 और एक ये, ठीक है, इस माइनस की मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर एक फैक्टर के साथ किसी भी, तो ये 2t माइनस 1 और इसके साथ अगर माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 1 - t, तो t की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो इसके दोनों फैक्टर जो बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे अपने पास, तो
टी किसको पुट किया था अपने, सी की पावर 4 यू की पावर 4 माइनस का 1, क्लियर, ये हो जाएगा फिर 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी है, सी की पावर 4 यू की पावर 4, क्लियर। और डिवाइड में क्या पड़ा होगा अपने पास, 3 टाइम्स ऑफ यू की पावर 6, 3 टाइम्स ऑफ यू की पावर 6, ये एस टी से, क्लियर। इसमें आई थिंक सब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एक फैक्टर बना के दिखा दिया आपको किस तरीके से बनेंगे, ठीक है, कि इसको उसने ब्रेक क्यों किया था वो पता लग गया होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशन जरूर लॉन्ग रहेगी लेकिन मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन अगर ध्यान से किया जाए तो, क्योंकि एक स्टेप्स हैं अपने पास करने के लिए। ये आ गया अपने पास यहाँ पे फैक्टर, तो ये यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे ये 3 था, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्लियर। बाकी 2 सी की पावर 8 इधर क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अगर बात की जाए तो डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर जो था, ये 2 सी की पावर इधर ही मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में 2 इंटू में सी की पावर, क्लियर। यहाँ से डी यू बाई डी थीटा निकाल सकते हैं, तो डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो देखा क्या हो जाएगा इस सारे का स्क्वायर रूट, क्लियर। इस सारे का क्या होने वाला है स्क्वायर रूट, तो नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट, ऊपर वाले नीचे वाले का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा अपने पास 2 का रूट अलग, ठीक है। सी की पावर 8 का रूट कितना हो जाएगा सी की पावर 4, यू की पावर 6 का रूट कितना हो जाएगा अपने पास यू की पावर 3, क्लियर। और ऊपर वाले टर्म्स का रूट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो वो क्या रहेगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ कितना था सी की पावर 4 यू की पावर 4 माइनस 1, और दूसरा फैक्टर जो मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है तो वो कितना था 1 माइनस सी की पावर 4 इंटू में यू की पावर 4, तो यही अपने पास पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करोगे यहाँ से कि टेकिंग अपने पास यहाँ पे कि पॉजिटिव नेगेटिव वेस्टर्न रूट दो टाइम्स बनेंगे, लेकिन फिलहाल डिस्टेंस फंक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमेशा क्या लेके चलेंगे ग्रेडिकल्स की बात है, हमेशा पॉजिटिव साइंस लेके चलने वाले हैं, क्लियर। तो यहाँ से अगर डी थीटा निकालना है यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं डी थीटा, तो डी थीटा के लिए यहाँ पे डी थीटा को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और यू वाले टर्म्स को एक साइड, ठीक है। ये यू वाले टर्म्स इधर आके क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा रूट 2 सी की पावर 4 यू का क्यूब, ठीक है। बाय में कितना आ जाएगा ये सारी टर्म नीचे आके क्या हो जाएगी डिवाइड में, क्लियर। तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी की पावर 4 यू की पावर 4 माइनस का 1, क्लियर। तो ये कितना 1 माइनस सी की पावर 4 यू की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा डी यू और इधर अकेला क्या रहेगा डी थीटा। अब बहुत सारे क्या करना है इंटीग्रेशन, बहुत सारे क्या करना है इंटीग्रेशन। अगर ये इंटीग्रेशन सही से कर गए तो समझो क्वेश्चन कंप्लीट है, बहुत सारे क्वेश्चन में बचा ही नहीं, ठीक है। कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इधर तो डायरेक्टली बहुत सारे मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इधर तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो गया, वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा थीटा प्लस कॉन्स्टेंट, नया कॉन्स्टेंट यूज कर देते हैं अरे सी सीवन आप पहले यूज कर चुके हैं, तो राइट हैंड साइड तो सोल्व करें लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ऊपर क्या पड़ा हुआ सी की पावर 4 यू की पावर 3, यू की पावर 3 पड़ा हुआ तो मतलब कहीं नीचे जो अपने पास चाहिए वो क्या चाहिए यू की पावर 4 चाहिए, क्योंकि सी की 4 तो कॉन्स्टेंट है और वो कहाँ से मिल सकता है दोनों इक्वेशनों में, तो मैंने किसी एक इक्वेशन को टारगेट करूंगा और उसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगा दोनों में किसी एक को उठाएंगे उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे टी पुट कर देंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ, क्लियर। तो मैंने क्या लेट कर लिया कि लेट 1 माइनस सी की पावर 4 यू की पावर 4 को क्या पुट कर लिया ठीक, चाहो तो इसको भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन इजी रखने के लिए मैंने इसको पुट कर दिया। बहुत सारे क्या करोगे डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव करूंगा दैट इंप्लाइज ये कितना आ जाएगा माइनस का सी की पावर 4 यू की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा अपने पास 4 यू की पावर कितनी रहेगी 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी यू और ये क्या हो जाएगा डी क्यू, क्लियर। ये डेरिवेटिव हो गया अपने पास, लेकिन ऊपर अपने पास तो क्या पड़ा सी की पावर 4 यू की पावर 3, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा है तो माइनस 4 है तो माइनस 4 इधर क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में, क्लियर। तो ये वैल्यू हो गई अपने पास, ठीक है। कुछ काम हम कर सकते थे थोड़ा इजी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो अगर इसको मैं क्या पुट कर लूँ टी स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस 4 है एसटी, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 टी इंटू में कितना डी टी, क्लियर। ये वैल्यू हो गई अपने पास,
और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, कुछ जो भी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, टू से कैंसिल आउट हो जाएगा टू, तो माइनस टू इधर आके क्या हो जाएगा, या फिर माइनस को इधर डिवाइड में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, ये वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का टी बाय में टू डी टी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी, क्लियर। अब बात करते हैं, ये तो वैल्यू निकाली सर, इसकी वैल्यू पता लग चुकी है, इसकी पता लग चुकी है, ठीक है। मेन रह गया सर टू इंटू में सी का सी की पावर फोर यू की पावर फोर माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो अपने को इसकी वैल्यू तो पता है ना, यहाँ से निकाल सकते हो सी की पावर फोर यू की पावर फोर, इधर आके प्लस का इधर आके माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का वन। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू माइनस का वन, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास वन माइनस का टी स्क्वायर, एक्चुअल में ये इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई, क्लियर। तो सारी टे वैल्यूज को उठाओ और इसी क्वेश्चन में पुट कर दो, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा इसकी जगह पे, रूट टू तो कॉन्स्टेंट है, ये तो क्या आ जाएगा बाहर, तो रूट टू को तो बाहर निकाल लिया, ठीक है। सी की पावर फोर यू की पावर थ्री इसका और इंटू में डी यू, तो इसकी वैल्यू अपने को पता थी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी माइनस का टी बाय टू, तो माइनस यहाँ पे रख लिया, टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे रख लिया, तो ऊपर क्या रखा टी डी डी, क्लियर। नीचे क्या है अपने पास, इसको अपने पुट किया था कितना टी, ठीक है, इनटू में सर टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी है ना, इसलिए अपने क्या कर दिया था वहाँ पे टी का स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू आई थी अपने पास कितनी, वन माइनस टी का स्क्वायर, तो वन माइनस टी का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, और डी डी इज इक्वल टू थीटा प्लस का सी टू, यहाँ से टी से टी क्या हो रहा है कैंसिल आउट। अब ये किस टाइप का फॉर्मूला अपने पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, लेकिन ये टू प्रॉब्लम क्रिएट करे, इस टू को अगर मैं बाहर निकालू, ठीक है, अगर इस टू को बाहर निकालू, ठीक है, तो माइनस रूट टू पहले पर है तो बाहर कितना आएगा, टू एक पहले पर था तो रूट टू बाहर आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय में कितना बन जाएगा अपने पास, ये स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि मैंने क्या बाहर निकाला है टू, तो यहाँ पे टू तो था ही नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा वन बाय टू, और वन बाय टू को लिख सकता हूँ वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर, क्लियर। और माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी और इक्वल टू किसके थीटा प्लस सी टू के, और ये फॉर्मूला बन गया किसका, वन बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, किसका फॉर्मूला होता है अपने पास, ये वन बाय ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए, सॉरी साइन इनवर्स एक्स बाय ए का, क्लियर। तो ये रूट टू से रूट टू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन गया अपने पास साइन इनवर्स, एक्स का काम कौन कर रहा है टी बाय में ए, ए का काम कौन कर रहा है वन बाय रूट टू, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा वन बाय में रूट टू, ये रूट टू पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये इक्वल टू किस क्या आ जाएगा थीटा प्लस सी टू के, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये बाहर कितना पड़ा हुआ था माइनस का वन बाय टू, ये तो पड़े था, ठीक है, ये तो वैल्यूज आ गई यहाँ से। मेन बात है कि सर कॉन्स्टेंट सी टू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि इसी इसकी वैल्यू किसी भी तरीके से निकाली जाए, कि इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर से इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, ठीक है, सेम टू सेम, कि आर किसके इक्वल दिया हुआ है सी के इक्वल, ठीक है, आर दिया हुआ है सी के इक्वल, थीटा कितना होगा इनिशियल कंडीशन पर अगर मैं बात करूँ, थीटा हमेशा क्या लेके चलेंगे इनिशियली जीरो, जब अपने पास टाइम कितना होगा जीरो, when u is equal to अपने को पता है किसके इक्वल होता है वन बाय आर, और r दिया हुआ कितना c, तो ये कितना हो जाएगा वन बाय सी, तो u होता है वन बाय आर और r की वैल्यू c है, तो वन बाय कितना हो जाएगा ये c, ठीक है। जब टाइम जीरो होगा इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, थीटा कितना होगा वहाँ पे, क्योंकि रोटेशन तो होगी नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी, तो थीटा कितना होगा जीरो, ठीक है। तो जब मैं t की जगह जीरो, थीटा की जगह जीरो और u की जगह वन बाय सी पुट करूँगा, ठीक है, थ्री वैल्यूज क्या आने वाले, टी की थ्री वैल्यूज भी पुट करेंगे आप लास्ट में जाके, ठीक है। तो आई थिंक सबको याद होगा कि टी जो था
देख लेते हैं, लास्ट में दिक्कत रहेगी। 1/c² u² इसको अपने पुट किया था t² तो क्या आंसर t में चाहिए ना, t वैल्यू भी पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो t की जगह 0। ठीक है, t की जगह 0 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये तो पूरे 0 हो गया, और थीटा भी 0 पुट कर रहे हैं तो मतलब c2 कितना आ गया, दैट इंप्लाइज यहाँ से c2 आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या बचेगा फिर, माइनस का 1/2 साइन इनवर्स, ये बन गया अपने पास √2 ऊपर, तो आ गया √2 × t इज इक्वल टू किसके, थीटा। करेंगे ये वैल्यूज आ गए अपने पास, तो ये 1/2। ठीक है, ये माइनस का 1/2 इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, माइनस का 2 थीटा। तो यहाँ से √2 × t। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन ऑफ माइनस 2 थीटा, लेकिन साइन के अंदर माइनस साइन एडजस्ट बाहर आ जाता है, ये बन गया साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास साइन ऑफ 2 थीटा। क्लियर, और साइन थीटा का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होता है। ठीक है, क्या लेके चलते हो, 2 sin θ cos θ, क्या होता है फॉर्मूला अपने पास, 2 sin θ cos θ। क्लियर, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, बोथ साइड, इधर भी स्क्वेयरिंग हो जाएगी तो उधर भी क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग। तो √2 t का स्क्वेयर अगर करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 2 × t का स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड कितने में जाएगा, इसका स्क्वेयर करेंगे तो -1 का स्क्वेयर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4, ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और कोस ऑफ स्क्वेयर थीटा, ये वैल्यूज बन गई अपने पास एक्चुअली। क्लियर, टी की वैल्यू, टी स्क्वेयर की वैल्यू अपने को पता है कितनी, 1 − c² u² वो वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्लियर, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये अपने पास, ये तो समझ गया होगा कैसे निकाला, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो ये आगे किसकी वैल्यू, t² की, तो यहाँ पे t² की वैल्यू पता है कितनी, 1 − c² u², तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 times sin²θ cos²θ के इक्वल, ये वैल्यू आ गई 1 − c² u² के। यू पता होता है किसके इक्वल होता है, 1/r के, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 1 − c² / में, ये कितना आ जाएगा, r का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 × sin²θ। क्लियर, तो ये अपने पास कितना है, sin²θ इंटू में कितना है, cos²θ। क्लियर, एक मिनट, इसका इसको क्या है, c⁴ था यहाँ पे और u⁴, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, c⁴ u⁴, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, c⁴ / r⁴। हाँ ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, इसका एलसीएम ले लो, ये बन गया अपने पास r⁴ − c⁴, और ये नीचे जो r⁴ उधर रहते हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वो अपनी जगह पे r⁴ मल्टीप्लाई में, r⁴ × sin²θ cos²θ, r⁴ को लिख सकता हूँ r² × r². ठीक है, और आपने पढ़ा है r जो होता है वो किसके ऊपर लेके चलता, अगर मैं x जो लेके चलता हूँ किसके ऊपर, r cos थीटा के, y किसके इक्वल होता है, r sin थीटा के, तो x² + y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r², ये आप पढ़ते हैं। क्लियर, तो मतलब अगर बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दूं तो क्या आ जाएगा, x² + y² का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, r⁴ के, तो ये वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, और यहाँ से बोथ साइड स्क्वेयरिंग करूँ तो क्या आ जाएगा, x² किसके इक्वल आ जाएगा, r² cos²θ। ठीक है, और यहाँ से y² = r² sin²θ, ये वैल्यू जो था वो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, r⁴ की जगह पे भी, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास वैल्यूज क्या आने वाली है, r⁴, तो ये कितना आ जाएगा, x² + y² की पावर 2। ठीक है, माइनस का c⁴ पड़ा हुआ, ये रहेगा अपने पास 2, r² sin²θ कितनी वैल्यू है, x². ठीक है, और r² sin²θ की वैल्यू थी y². ठीक है, और r² cos²θ की वैल्यू कितनी है, x². क्लियर, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट की, अब क्या करो, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन करो, देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर मैं ओपन करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर 4, ये जो क्या पड़ा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया इसे कैंसल आउट, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू सी की पावर 4, क्लियर। और यही अपने पास डिटरमाइन करना था, क्लियर होगा आई थिंक सबको, काफी बड़ा क्वेश्चन था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।